जय यीशु। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आप यीशु दरबार की सभा में आदरणीय बाबा जी के द्वारा यीशु मसीह के प्रवचन सुनने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना और आशा है कि आज आप बहुत आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु। प्रभु के वचन से आज हम देखेंगे लूका नबी की किताब और उसका 10 अध्याय। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना था स्वर्ग राज्य में नाम लिखे हुए, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है और सबसे ज़्यादा उत्तम बात है कि पृथ्वी का जब राज्य खत्म हो और जब परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में नहीं होगा। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में तो है ही, वो पृथ्वी पर आने की बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई थी, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तेरा राज्य कहाँ आए? पृथ्वी पर। और सारे चेलों से कहा इस प्रार्थना को तुम लोग लगातार किया करो कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आए। स्वर्ग में तो उसका राज्य है ही, पृथ्वी जो उसने मनुष्यों को दी थी, वो मनुष्यों ने अपने हाथ से पृथ्वी को शैतान को दे दिया। मनुष्यों ने पृथ्वी के राज्य को, जो परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य था, स्वर्ग के राज्य को परमेश्वर ने मनुष्यों के हाथों में दे दिया था। जब पृथ्वी बनाई, स्वर्ग आकाश बनाया, सब कुछ बनाया, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, सब कुछ सृष्टि करने के बाद छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। उसने एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसके नथनों में सांस फूंका और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। और मनुष्य से कहा कि देख, सारी पृथ्वी पर मैं तुझे अधिकार देता हूँ, पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर, जल की मछलियों पर, उड़ने वाले पक्षियों पर, हर एक जीव जंतु जानवर सब पर तेरा अधिकार है, पूरी सृष्टि पर मैं तुझे अधिकार देता हूँ। और आदमी उस वक्त परमेश्वर का स्वरूप था। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय 26 पद में कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर की समानता और स्वरूप में हम थे, परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में था, परमेश्वर ने सारी सामर्थ्य मनुष्य के हाथ में दे दी थी। और यहाँ पर उसी बागे अदन में जहाँ परमेश्वर ने मनुष्य को रखा, मनुष्य शैतान के बहकावे में आ गया और वो जीवन का वृक्ष छोड़कर बुराई और भलाई के वृक्ष के फल को खाने के लिए चला गया। 2 प्रकार के वृक्ष लगे थे वहाँ बागे अदन में, बहुत फल फूल थे। जिस बाग में परमेश्वर ने आदम को और उसकी पत्नी हव्वा को रखा था, उसमें बड़ी सब प्रकार के फल थे। और उसमें 2 तरह के फल जो खास थे वो ये थे, जीवन के वृक्ष का फल, जीवन का वृक्ष, दूसरा भलाई और बुराई को जानने वाला वृक्ष। बजाय इसके कि मनुष्य भलाई जीवन के वृक्ष से फल खाए, शैतान के काना फूसी की वजह से, जब काना फूसी कोई करता है तो कान में जो है बुराई बोलता है, अपने पड़ोसी की बुराई बोलेगा, अपने मित्र की बुराई बोलेगा, अपने नाते रिश्तेदारों की कान में बुराई बोलेंगे। और जैसे ही कान में बुराई बोली जाएगी, आप उसे ग्रहण कर लोगे, आपका विचार बदल जाएगा, आपका मन बदल जाएगा और आप अपने मित्र के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, अपने दोस्त के प्रति बुरा विचार रखने लगेंगे, उसके बारे में बुराई आने लगेगी। तो इसलिए अपने कानों को जरा ठीक से रखो, बुराई ज़्यादा मत सुनो कानों से, भली बातें सुनो, प्रभु का वचन सुनो, सुबह शाम तक मन बदल जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। बाइबल कहती है जिन धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अशुद्ध मन से हम
स्वर्ग राज्य में प्रवेश न कर पाएंगे, लेकिन शुद्ध मन से हम परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। बाइबल का कहना है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता स्वरूप में बनाया, लेकिन जब शैतान ने कानाफूसी करी हव्वा के कानों में, अरे एक ही तो फल है जो तुम नहीं खा रहे हो, जीवन का वृक्ष तो चलो खाते ही हम लोग, ये भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी खा लो। जब भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तोड़ा तो उसकी पत्नी ने खाया और अपने पति को खिलाया, उनकी आंखें खुल गईं और तुरंत परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से हट गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। आज्ञा तोड़ना ही तो पाप है, पाप की कोई पहचान नहीं है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है हमारे जीवन के चाल चलन के लिए, उसको तोड़ना ही तो पाप है। आज्ञा है कि तू चोरी मत कर, तो चोरी करना पाप है अगर चोरी करेंगे तो। झूठ मत बोलना, सबसे पहली आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, यानी पृथ्वी पर और स्वर्ग में केवल एक ही परमेश्वर है, सनातन ईश्वर है, जिसने सारी सृष्टि बनाई है, पृथ्वी और आकाश हम सबका सृष्टि करता है। पाप की पहचान हम आज्ञा से और व्यवस्था से करते हैं, हमें व्यवस्था पाप की पहचान बताती है लेकिन पाप से छुटकारा नहीं देती। पाप की पहचान जब आज्ञाओं को तोड़ते हैं, ईश्वर एक है और हम अनेक बना देते हैं, उसी में परमेश्वर की नाराजगी जाहिर हो जाती है, हम आशीष अवस्था से श्रापित अवस्था में चले जाते हैं। दूसरी आज्ञा है, तू किसी चीज की सूरत या मूरत बनाकर उसकी उपासना न करना, क्योंकि बाइबल के अनुसार ये मना है और इसको करना ही तो गुनाह है, पाप है। तीसरी आज्ञा है, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत ले। व्यर्थ लेते हैं मनुष्य, ईश्वर की कसम खाते हैं, झूठ बोलने के लिए कसम खा जाते हैं, बुराई करने के लिए कसम खा जाते हैं। परमेश्वर के नाम को व्यर्थ मत लीजिए। और व्यर्थ लेने वाला, बाइबल में लिखा है, कभी निर्दोष नहीं ठहरेगा, वो दोषी रहेगा। चौथी आज्ञा है, तू विश्राम दिन को, यानी छह दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की और सातवां दिन उसने विश्राम दिन ठहराया कि, और उसे पवित्र ठहराया, जिसे हम शनिवार कहते हैं, शनिचर का दिन। और इस शनिचर को कोई काम धंधा नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन परमेश्वर की आज्ञा है कि आप प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को, अपने सृष्टिकर्ता को याद करें और उसका धन्यवाद करें और उसके दरबार में आएं और उसकी महिमा करें। पांचवी आज्ञा है कि तू अपने पिता और माता का आदर करना, क्योंकि पिता और माता के जरिए परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, हम इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, और इसलिए अपने पिता और माता का सम्मान करना, परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता का सम्मान करना है। और अगर जो कोई इस आज्ञा को तोड़ता है वो पाप करता है। छठी आज्ञा, तू खून मत करना, खून मत करना, मर्डर करना, हत्या करना गुनाह है और इसका कानूनी दंड भी है। कानून में भी दंड है, ईश्वर की ओर से भी दंड है, इससे बचना। हत्या करना, क्रोध करना, प्रभु यीशु मसीह ने तो यहां तक कह दिया कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। यदि आप क्रोध करोगे तो हत्या के बराबर है, कितना खतरनाक है। क्रोध भी करना, प्रभु यीशु ने कहा क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाना चाहिए। अगर सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध समाप्त नहीं हुआ तो ये क्रोध रात भर में पाप को जन्म दे देगा और सवेरे उठते ही आप गुनाह कर डालोगे, पाप कर डालोगे। बच लो इससे, क्रोध मत करो, क्रोध हत्या के बराबर है।
अब कहोगे कि हम दुश्मन से क्रोध करें कि नहीं करें, जो हमारा नुकसान कर रहा है उससे क्रोध करें कि नहीं करें, जो हमें बदनाम कर रहा है उससे क्रोध करें कि नहीं करें, इसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, किसी से क्रोध नहीं करना। हालेलुया। न मित्र न शत्रु, दोनों से क्रोध नहीं करना है, नहीं तो क्रोध करोगे और सो जाओगे क्रोध में, तो रात भर में वो पाप उत्पन्न कर देगा और सुबह उठते ही तुम कुछ न कुछ ऐसा पाप करोगे जो परमेश्वर को नहीं भाएगा, ये गुनाह है। सातवीं आज्ञा है, तू व्यभिचार मत कर। अपनी पत्नी को छोड़ किसी दूसरे से तेरा कोई संबंध गलत नहीं होना चाहिए, व्यभिचार है वो। और व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अपने विरुद्ध पाप करता है, ईश्वर के विरुद्ध आज्ञा तो तोड़ ही रहा है लेकिन अपनी आत्मा अपने प्राण के विरुद्ध पाप करता है व्यभिचार करने वाला। आठवीं आज्ञा है, तू चोरी न करना, न काम चोरी न पैसे की चोरी, दोनों चोरी नहीं करना है। अगर देख रहे हैं कि भाई मालिक देख रहा है तो खूब फावड़ा चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, और नहीं देख रहा है तो अपना रोक के बीड़ी पी रहे हैं आराम से। काम चोरी भी नहीं करना है। जितने घंटे का हम मेहनत का पैसा हमारा मिलना है उतने घंटे उतना काम करके हमें देना चाहिए, काम चोरी भी नहीं करना चाहिए। पैसे की चोरी तो अलग बात है, किसी के घर से ज्वेलरी की चोरी कर लो, कोई सामान चुरा लो, खेत में से चोरी करना, फल की चोरी करना, सभी चोरियाँ वर्जित हैं और चोरी किसी भी प्रकार की पाप है, इससे बचना। नवीं आज्ञा है, तू किसी की झूठी साक्षी मत देना, झूठे गवाह मत बनना, झूठे मुकदमे मत करना किसी पर, किसी के साथ झूठ मत बोलना किसी प्रकार का, सत्य का व्यवहार करना। और दसवीं आज्ञा है, तू किसी चीज का लालच न करना, न तो पड़ोसी के खेती बाड़ी का, न पड़ोसी के जानवरों का, न उसकी स्त्री का, न औरत का, न गधे बैल का, न उसकी कार का, किसी चीज का लालच मत करना, क्योंकि लोभ जो है सारी बुराइयों की जड़ है। पैसे का लोभ, धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है, उसी से सारी बुराइयां पैदा होती हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हमें यही बता रहे हैं, इन सब बातों से बचना है। स्वर्ग राज्य में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। स्वर्ग राज्य में ये आज्ञाएं कोई मायने नहीं रखती, व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है। स्वर्ग राज्य में आप स्वयं परमेश्वर की संतानें हैं, आप स्वयं ईश्वर हो, आपके अंदर से कोई बुराई आएगी नहीं, कोई सोच आएगा ही नहीं, क्योंकि आप स्वर्ग राज्य में जब प्रवेश कर जाओगे तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाओगे। बाइबल में लिखा है यूहन्ना के 1:12 में, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। और जब परमेश्वर की संतान हो गए तो अपने परमेश्वर के पिता की अब व्यवस्था और आज्ञाएं हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखती, क्योंकि हम इन सब से ऊपर उठ गए। हालेलुया, ये सब खत्म हो गई, अब याद करने की जरूरत नहीं, ये तो हमारी प्रैक्टिस में है, इसको तो हम लोग करते ही हैं, ये 10 आज्ञाएं तो हम मानते ही हैं, ये तो हमारे प्रवृत्ति में आ गई, ये हमारी आत्मा में आ गई। अब उसके आगे बढ़ो, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों की समानता में उसका चाल चलन आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों को भेजा कि जाओ, 70 चेलों को भेजा, नगर नगर जाओ, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, जहां जाओ भला करो, बीमारों को चंगा करो, और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। अब जो कोई तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, और जो कोई तुम्हें ग्रहण करेगा और मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे भेजने वाले पिता परमेश्वर को ग्रहण करेगा। चेले लौट कर आए शाम को,
रिपोर्ट दिया कि हे प्रभु, हम फलाने फलाने गांव में गए थे, यीशु आपके नाम से हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं हमारे वश में आ गईं, आत्माओं को हमने निकाल दिया यीशु आपके नाम से, बड़े बड़े चमत्कार आश्चर्य कर्म हुए। यीशु मसीह को आके रिपोर्ट दे रहे हैं शाम को। फिर यीशु मसीह ने जवाब दिया 17 से लेकर 19 पद में, लूका 10 के 17 से 19 पद में लिखा है, वे 70 के 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। स्वर्ग राज्य में नाम लिखे हुए। आनंदित क्यों होना चाहिए? कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। क्योंकि जब स्वर्ग की हाजिरी पृथ्वी पर लगेगी, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आएंगे दोबारा, जब पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य आएगा, तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उसका राजा होगा और उसके साथ साथ पूरा रिकॉर्ड चला आएगा वहां से, किस किस के नाम स्वर्ग राज्य में लिखाए गए हैं। सारी किताबें पृथ्वी पर आ जाएंगी, खुल जाएंगी, तब किताबें खोली जाएंगी, हर एक का हिसाब लिया जाएगा, भले और बुरे जो कुछ काम हमने अपने शरीर में किए हैं, उन सब का हिसाब किताब हमें यहाँ देना पड़ेगा पृथ्वी पर। और स्वर्ग राज्य में जिसका नाम लिख गया है कि ये बेटा है हमारा, बेटी हो गया है, क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, उनके गुनाहों को, उनके पापों को क्षमा कर दिया। जिन्होंने ये विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे अपराधों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे जघन्य अपराधों के लिए घायल किया गया, क्रूस पर टांगा गया, मारा गया, गाड़ा गया, वो मेरे ही अधर्म के लिए कुचला गया, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हो जाऊं, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, एक ऐतिहासिक घटना है। यदि हम उस पर विश्वास करेंगे कि यीशु मेरे लिए पाप का दर्द उठाया है, पाप का दंड उठाया है और मेरे गुनाहों के लिए उसने दुख उठाया, अपना लहू बहाया है और उसके लहू से मेरे पाप धोए जाते हैं, वो मनुष्य जब विश्वास करता है और मन फिराता है और अपनी बुरी चाल को छोड़ देता है, परमेश्वर उसे क्षमा करता है, यीशु उसे क्षमा करता है और नया जीवन दे देता है। और जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि बन जाते हैं, पुरानी बातें बीत जाती हैं, सब कुछ नया हो जाता है। जो झूठ बोलते थे वो झूठ बोलना छोड़ देते हैं। यीशु मसीह कह रहा है, तुम नहीं जानते हो कि कैसी आत्मा के हो। जबकि यहुन्ना और याकूब ने कहा, हे प्रभु हमें आज्ञा दे, हम आकाश से आग को गिरने को कहें वो गिरे और हमारे शत्रुओं को भस्म कर दे। यीशु ने मना कर दिया, नहीं ऐसा मत करना, कभी मत करना। परमेश्वर का पुत्र यीशु मनुष्यों के प्राण को नाश करने नहीं परंतु बचाने के लिए आया, और उस बचाने में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्राणों की भी आहुति दे दी। प्रभु ने, प्रभु के राज्य के नियम फर्क हैं, परमेश्वर के राज्य के नियम कठिन हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भाई हम तो यीशु दरबार में ईसाई बना देते हैं। यीशु दरबार में ईसाई नहीं बनाते हैं, यीशु दरबार में तुम्हें आदमी बना देते हैं, हम तुम्हें मनुष्य बना देते हैं। क्रोधी मनुष्य से एक भला मनुष्य बना देते हैं, व्यभिचारी से, चोर से, झूठ बोलने वाले को एक पवित्र मनुष्य बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करके हम एक नए मनुष्य बन जाते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं,
और नए मनुष्य का चाल चलन जाके ढूंढ लो, अगर तुम्हें मिल जाए, किसी ईसाई में मिल जाए तो बता देना, हम भी उसके पीछे चल देंगे। हमें तो आज तक कोई ईसाई मिला नहीं जो यीशु मसीह के पीछे चलता हो। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले ईसाई नहीं होते, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा है मत्ती के 5:43 से, एक दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, उस व्यवहार की बात कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं किसी भी ईसाई समाज में ये व्यवहार पाया जाता है, बहुत मुश्किल है। तुम सुन चुके हो कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, सुनिए अच्छी तरह सुनिए, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो। कितने ईसाई लोग बैरियों से प्रेम रख रहे हैं बताओ, कितने ईसाई लोग बैरियों से प्रेम रखते हैं तो पक्की बात है वो ईसाई नहीं है। अगर वो बैरियों से प्रेम रखते हैं तो ईसाई नहीं है, और बैरियों से नफरत रखते हैं तो पक्के ईसाई हैं। ये तुम्हें मिल जाएंगे बहुत, ये मेजॉरिटी 90% मिल जाएगी तुम्हें इस समाज में। 10% प्रभु यीशु मसीह के चेले मिलेंगे जो यीशु दरबार में बनाए जा रहे हैं, हालेलुया। परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। दुश्मन के मरने से हमारी जीत नहीं होती है, यीशु दरबार का यह विश्वास है। हमारा शत्रु खत्म हो जाए, हमारा शत्रु हार जाए, हमारा शत्रु बर्बाद हो जाए, इसमें हमारी जीत नहीं है। हमारा शत्रु हमारा मित्र बन जाए, इसमें हमारी जीत है, क्योंकि हमने उसको मनुष्य बनाकर अपने समान मनुष्य बना लिया। जो मनुष्य परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाया हुआ है, जो मनुष्य प्रभु की सूरत है, जो यीशु मसीह की सूरत में बनाया हुआ मनुष्य है, हमने उसके स्वरूप को वापस ले आए। यही हमारी जीत है कि मनुष्य वापस मनुष्य बन जाए, शैतान से मनुष्य बन जाए, अपराधी से पवित्र मनुष्य बन जाए, इसमें हमारी जीत है, हालेलुया। यीशु कह रहे हैं मैं तुमसे कहता हूं, दुनिया के लोग तो कहते हैं बैरी से बैर करो और पड़ोसी से प्रेम, परंतु मैं तुमसे कहता हूं बैरियों से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो क्या फल होगा? क्या बुरे लोग चोर उचक्के महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अपने लोगों से सबको ही प्रेम करते हैं, लेकिन परायों से प्रेम करना, दुश्मनों से प्रेम करना, ये यीशु मसीह की खासियत है, ये यीशु मसीह की शिक्षा है। वो नहीं चाहता कि आपका दुश्मन भी नाश हो। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करते तो कौन बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जिसमें प्रभु यीशु मसीह है उसी में प्रेम है, जिसमें प्रेम है उसमें परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, नफरत नहीं है, परमेश्वर घृणा नहीं है, परमेश्वर अपराध की प्रवृत्ति नहीं पैदा करता, परमेश्वर भलाई की प्रवृत्ति पैदा करता है। प्रभु कह रहा है बुराई को भलाई से जीत लो, बुराई को भलाई से जीत लो, बुराई को भलाई से जीतो। यीशु की आज्ञा है बुराई को भलाई से जीतो, बुराई को बुराई से नहीं। संसार के लोग कहते हैं कांटे से कांटा निकलता है। जब कांटे से कांटा निकालते हो तो जानते हो खाल में बहुत बड़े घाव हो जाते हैं। जितना कांटे ने छेद नहीं किया है उस व्यक्ति के,
उससे ज्यादा छेद हो जाता है सुई से। जब कांटे से कांटा निकालते हैं तो वो कांटा और बड़ा छेद कर देता है। यीशु मसीह की ये शिक्षा नहीं है कांटे से कांटा निकालने की। बुराई से बुराई खत्म नहीं होगी, बुराई को भलाई से जीतेंगे तो बुराई खत्म हो जाएगी। कभी किसी ने गंदे बर्तन को गंदे पानी से धोया है? अरे मैले पानी से कोई मैला बर्तन नहीं धोता है। जब शुद्ध जल से तुम बर्तन धोते हो तो तुम्हारा बर्तन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भलाई डालो, भलाई बो, बुराई खत्म हो जाएगी। हमने प्रभु से कहा, हे प्रभु, हम तेरा प्रचार नहीं कर सकते अगर तू हमें शक्ति नहीं देगा कि हम दुश्मनों से प्यार करें और हम उन लोगों के साथ भलाई करें जो हमारे साथ बुराई करते हैं। तब तो हम पाखंडी नहीं होंगे, तब तो हम हिपोक्रेट नहीं होंगे। और हिपोक्रेसी हर जगह मिल जाएगी। मनुष्य से बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं है, कुछ बोलता है और कुछ करता है। यीशु दरबार में हिपोक्रेसी की शिक्षा नहीं है। जो हमारा धर्म है वो हमारा कर्म है, हमारे कामों से हमारा धर्म प्रकट होगा कि हम ईश्वर की संतानें हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और उनकी शिक्षाओं पर चलने वाले व्यक्ति हैं। आज यदि आपके मन में ये बात है तो आज समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कह रहा है। वो आपसे प्रेम करता है और उसने प्रेम के कारण अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि हम में से हर एक मनुष्य उस पर विश्वास करे और नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को के चेले बनना चाहते हो और आज हमारी जो शिक्षा है उसको अपने कर्म में प्रकट करना चाहते हो, अपने कामों से प्रकट करना चाहते हो, तो पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए, परमेश्वर का आत्मा, केवल पवित्र आत्मा ही शक्ति देकर हमसे भले काम करा सकता है। उस भले आत्मा के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि यीशु मसीह उस भले आत्मा से, पवित्र आत्मा से हम सबको पूर्णतः परिपूर्ण करे ताकि हम धर्म के काम और भलाई के काम कर सकें, बुराई को भलाई से जीत सकें। जय यीशु। यीशु दरबार के आज के कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी होगी और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं आप इस नंबरों पर फ़ोन करके अपने लिए प्रार्थना करा सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। जय यीशु। प्रभु मुझे ले चल, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास। प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का।